भतीजे पर चाचा की हत्या का केस हुआ दर्ज। धिंदवा सर्किल पर बीती रात की गई थी हत्या। पुलिस के आला अधिकारियों ने भी देखा मौका। आरोपी भतीजे की तलाश में पुलिस दे रही है दबिशें। एएसपी गिरधारी लाल शर्मा भी पहुंचे मौके पर। डॉग स्क्वाड, एमओबी और एफएसएल की टीम भी पहुंची। काफी सालों से चल रहा था चाचा भतीजे में विवाद। आरोपी भतीजा अंकित उर्फ धौलिया है हरियाणा का बदमाश। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में बीती रात को एक भतीजे ने अपने ही चाचा को गोली से मार दिया। दोनों के बीच कई सालों से जमीन समेत अन्य संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी भतीजा हरियाणा का हार्डकोर बदमाश है, जिसके खिलाफ हरियाणा के विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बाढ़ा थाना इलाके के डांडमा गांव निवासी रतन सिंह के साथ उसके ही सगे भतीजे अंकित उर्फ धौलिया का विवाद चल रहा था। दो साल पहले रतन सिंह इसी विवाद के कारण गांव छोड़कर पिलानी आ गया और यहां पर अपने परिवार के साथ रहने लग गया। इस दौरान भी कई बार अंकित उर्फ धौलिया ने रतन सिंह पर हमला करने की कोशिश की। बीती रात को रतन सिंह ने अपने भांजे सचिन के पास धींदवा सर्किल पर उसके किराए के फ्लैट पर सो रहा था। इसी दौरान दो युवक आए जिन्होंने रतन सिंह पर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 4-5 राउंड फायरिंग के बाद दोनों युवक भाग गए। सचिन ने बताया कि उसने एक बाइक पर तीन जनों को भागते हुए देखा है। इनमें से एक मृतक का भतीजा अंकित भी था। परिजनों ने अंकित समेत अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करा दिया है। डीएसपी शिवरतन गोदारा ने बताया कि मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दोनों चाचा भतीजा के खिलाफ सालों से विवाद चल रहा था। इसका एक मामला पिलानी थाने में भी दर्ज था। बहरहाल घटना की गंभीरता को देखते हुए एएसपी गिरधारी लाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं डॉग स्क्वाड टीम के अलावा एमओबी और एफएसएल की टीमों ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक रतन सिंह के परिवार के लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। एक रतन सिंह नाम का व्यक्ति है जो बाढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है हरियाणा का। यहाँ मकान किराए लेकर के रहता था। रात को करीबन 12 बजे दो व्यक्ति है वो हथियार सहित आए और इसके ऊपर फायर किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और प्राइमो फेसी उसके भतीजा है जो उसके साथ इनकी कोई रंजिश चल रही है पूर्व से, और उसी रंजिश के चलते वो अपना गांव छोड़ के यहाँ रह रहा था, तो उस पे द्वारा हत्या करने का आरोप है। पुलिस जांच कर रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 9वां महीना की 24 तारीख ने 2023 ने मेरे घर में उसके पिस्टल लगा के मेरे कैंपर की चाबी खोज के कैंपर को उठा ले गए। और 10 दिन के बाद हमारा गेट तोड़ कर मकान मालिक कर रहते थे हम किराए पे, और फिर उसने जान से मारने की धमकी दे कर आया। फिर मैं है ना 12 बजे है ना रात को मैं थाने में आई मेरे बच्चों को लेकर, फिर पैदल पैदल आई यहाँ से, PCR गई और बोली यहाँ तो कुछ नहीं, इस गली में तो कुछ नहीं घुस सकता। मैंने कहा एक बार जाके तो देखो इसके अंदर, फिर गेट तोड़ रखा है। फिर वे देख के ना कुछ नहीं बोले मौके पर और वापिस आ गई। फिर हमें बार बार थाने में आते जाते रहते, ये कुछ सुनाई नहीं गई। और फिर हम गए एसपी के झुंझुनू, एसपी के पेश हुए। फिर उन्हें सुनाई कि तो 2 दिन ये घूमे, फिर ये बैठ गई। फिर मैंने कहा कि सुनाई करो, ये कह रही हैं कि बता देना मौके पे आए तो। और कल फिर मेरे भांजे के मकान पे गए थे और कहते थे वापिस आऊँगा। तो कल दो जना घुस के मेरे पति की धोलियाँ ने मौत कर दी गोलियों से। और गांव में रहते थे 2 साल हो गया हमारा घर छुटा के, हम यहाँ पिलानी किराए पे रहते हैं। और मुझे इंसाफ चाहिए, उसको फांसी हो गई। और